नमस्कार दोस्तों, नैनो कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं आपका दोस्त रविंद्र ठाकुर हाजिर हूँ एक नए वीडियो लेके। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको सैमसंग J250F इसका पैटर्न लॉक कैसे तोड़ा जाता है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, तो आप वीडियो में एंड तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि फ़ोन से बैटरी निकालना है और दोबारा से फ़ोन में बैटरी को लगाना है, और उसके बाद वॉल्यूम अप और जो मेनू की है और पावर की, इन तीनों को एक साथ प्रेस करना है। ये देखिए, ये मैंने प्रेस किया तो थोड़ा समय लगेगा, और उसके बाद आपका जो फ़ोन है वो रिकवरी मोड में चला जाएगा। थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा समय लगेगा। अब आपने कुछ नहीं करना है, अपने आप जो है रिकवरी मोड में चला जाएगा। यहाँ पे थोड़ा समय लगता है, और आपने कोई बटन प्रेस नहीं करना है, ये अपने आप जो है रिकवरी मोड में चला जाएगा। इस यहाँ पे थोड़ा समय लग जाता है, तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। ये देखिए, आपका फ़ोन जो है रिकवरी मोड में चला गया। तो वॉल्यूम डाउन की मदद से बाइप डाटा सेक्टरी फैक्ट्री रीसेट इसके ऊपर आना है, और पावर की मदद से ओके करना है। यस, ये देखिए आपका जो फ़ोन है वो फॉर्मेट हो गया, और अब आपने अपने फ़ोन को जो है रिबूट करना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने वीडियो को स्किप किया, और स्किप करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है, और अब हम अपने फ़ोन को जो है वाईफाई के साथ कनेक्ट करेंगे। ये देखिए रेडमी, तब मैंने इसमें जो मेरा पासवर्ड है वो मैंने इसमें एंटर करना है कनेक्ट, और जल्द ही हमारा फ़ोन जो है वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए कनेक्ट हो गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट वाला जो बटन है उसको प्रेस करना है, और एग्री टू ऑल नेक्स्ट। यहाँ पे यदि आपको अपना जीमेल आईडी याद है पुराने वाला, तो यहाँ पे एंटर कीजिए, और अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ से आप फ़ोन को बैक कर दीजिए, और जो मेनू की है उसको तीन बार प्रेस करना है, और उसके ऊपर जो है एल टाइप का साइन बनाना है स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद बस आप वीडियो को देखते रहिए और स्टेप फॉलो कीजिए। वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप को एक साथ प्रेस करेंगे, तो देखिए टॉकबैक जो है ये डिसेबल हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ये शेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे जो आपका YouTube ओपन हो जाएगा। तो यहाँ इसको होम की पे जाके Google पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने एपेक्स लॉन्चर जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है। एपेक्स लॉन्चर, ये देखिए मैंने इसको सर्च बार में टाइप किया, उसके बाद लिंक खुल गया,
तो लिंक के ऊपर मैंने क्लिक किया, थोड़ा समय लगेगा। ये देखिए इसको क्या करना, हमने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा समय लग जाता है, इंटरनेट की स्पीड थोड़ी कम है। ये देखिए ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है, सेव। और अब हम हिस्ट्री के अंदर डाउनलोड हिस्ट्री, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपेक्स लॉन्चर जो ऐप है वो डाउनलोड हो रही है। और चलो यहाँ पे हम थोड़ा स्किप कर देते हैं वीडियो को ताकि समय की बचत हो जाए। ये देखिए डाउनलोड हो गई। और उसके बाद अब हम एक ऐप और है उसको हम जो है डाउनलोड करेंगे। तो सर्च बार में आपने टाइप करना है टेक्नो केयर, टेक्नो केयर ऐप जो है उसको सर्च बार में सर्च करना है तो लिंक खुल जाएगा। तो सबसे जो ऊपर लिंक है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमें उसका लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। ये देखिए ये इसको अब हमने 28 MB का ये ऐप है, इसको अब हमने यहाँ से डाउनलोड नाउ यहाँ पे ओके क्लिक करके सेव कर देना है। ये देखिए डाउनलोड हिस्ट्री में जाएंगे, डाउनलोड हिस्ट्री, अब हम बारी बारी से इन ऐप्स को इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट, इंस्टॉल टेक्नो केयर ट्रिक्स जो ऐप है उसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं। और इसको ओपन नहीं करना है, इसको डन करना है। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो इसको क्या करना है, डन। तो दूसरा जो अपेक्स लॉन्चर है, अननोन सोर्सेस को अलाउ करेंगे इंस्टॉल, इसको हमने ओपन करना है, डन नहीं करना है, ओपन। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो जो ओपन वाला ऑप्शन आएगा उसके ऊपर अब हमने इसको क्लिक करना है। ये देखिए ओपन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस दिखाई देगा। ये देखिए नेक्स्ट स्किप करेंगे, सॉरी, स्किप करने के बाद होम स्क्रीन, इसके ऊपर ओके करेंगे। और सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर अब हमने क्लिक करना है। मेरे को ढूंढना पड़ेगा डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, स्क्रीन एंड सिक्योरिटी के ऊपर जाएंगे। ये देखिए इसके ऊपर जाने के बाद ये देखिए अदर सिक्योरिटी सेटिंग में जाएंगे, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर जाएंगे, माय डिवाइस जो लिखा है उसको जो क्या करेंगे हम डीएक्टिवेट करेंगे, एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर को डीएक्टिवेट करेंगे। डीएक्टिवेट करने के बाद ऐप्स में जाएंगे, ऐप्स में जाने के बाद गूगल प्ले सर्विस जो है उसको डिसेबल करेंगे। बैक गूगल प्ले स्टोर को क्या करेंगे, डिसेबल। बैक
बैक हो जाएंगे। उसके बाद अकाउंट्स में जाके ऐड अकाउंट गूगल, यहाँ पे जो है अब हम अपना अकाउंट ऐड करेंगे। यदि आपको अपनी जीमेल आईडी याद है तो वही डाल दीजिए, कोई और आईडी जो आप यूज़ करते आ रहे हैं जो आपको याद है वो यहाँ पे डाल दीजिए। अदरवाइज़ आप नई भी आईडी यहाँ पे, नया अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, नई आईडी बना सकते हैं। तो मैंने पुरानी वाली आईडी ही डाल दी जो मुझे याद है, जीमेल आईडी कोई भी डाल सकते हैं आप जो आपको याद है। यहाँ पे पासवर्ड डालना है, ये मैंने पासवर्ड डाल दिया, ये देखिए नेक्स्ट। आई एग्री, थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए अकाउंट ऐड हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, जो अब डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वहाँ पे जाके, जो पहले हमने डीएक्टिवेट किया था एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर को, उसको दोबारा से एक्टिवेट करना है। और ऐप्स में जाके जो ऐप्स वाला जो सेटिंग में जो ऐप्स वाला जो टॉकबैक भी मैं पहले ऑफ कर देता हूँ, एसेसिबिलिटी में जाके, और ऐप्स में जाके जो अब हमने गूगल प्ले सर्विस और गूगल प्ले स्टोर को डिसेबल किया था उनको अनेबल करेंगे बारी बारी से। ये देखिए अनेबल कर दिया मैंने इसको भी, और बैक हो जाएंगे। उसके बाद जो है अब हम अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करेंगे, बंद करेंगे और ऑन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा वीडियो को स्किप कर लेता हूँ ताकि टाइम की बचत हो जाए। और ये देखिए थोड़ा यहाँ पे समय लगेगा। ये देखिए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट एग्री टू ऑल, नेक्स्ट चेकिंग फॉर अपडेट्स, थोड़ा समय लगेगा, वेट कीजिए। ये देखिए एडिड अकाउंट, एडिड जो हमने आईडी डाली थी वो यहाँ पे आ गई है। अब ये हमसे आईडी नहीं पूछेगा जैसा कि पहले आईडी मांग रहा था, अब ये इजीली ऑन हो जाएगा। ये देखिए नॉट नाउ और मोर एक्सेप्ट स्किप, यहाँ पे स्किप कर देंगे, फिनिश। इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, स्किप। इंस्टॉल, फिनिश। ये देखिए अब हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, लेकिन जो हमने ऐप्स इसमें इंस्टॉल की थी उसकी वजह से ये ब्लिंकिंग, ऊपर जो ब्लिंक कर रहे हैं, ये नोटिफिकेशन ब्लिंक कर रही है ऊपर, तो उसकी वजह से है। तो
जो ऐप्स हमने इसमें इंस्टॉल की थी उनको हम अनइंस्टॉल करेंगे बारी बारी से। एपेक्स लॉन्चर इसको अनइंस्टॉल करेंगे। ओके, ये देखिए ये अनइंस्टॉल हो गई। और उसके बाद टेक्नो केयर, ये देखिए टेक्नो केयर ट्रिक्स जो ऐप्स हमने की थी इसमें इंस्टॉल, उसको भी हम डीएक्टिवेट एंड अनइंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों, आपका फ़ोन अनलॉक हो चुका है पूरी तरह से, इसका जो पैटर्न लॉक है रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।